अनुप जी, आज फिल्म की स्क्रीनिंग हुई जो मास्क की रिलीज होने वाली, कुछ कहना चाहेंगे? ये फिल्म, इसका जो टाइटल है हिंदुत्व, तो अगर हिंदुत्व की आत्मा को आप समझना चाहते हैं तो इस फिल्म को देखिए। ये फिल्म बताती है कि हिंदुत्व कितना महान है, कितना प्रेम बांटने वाला है। ये भारत माता का जो आंचल है ना, वो सबको अपने आंचल में समा लेती हैं। हिंदुत्व में मैसेज है कि हम अपनी माँ की पूजा करते हैं लेकिन दूसरे की माँ का आदर करते हैं। हम अपने धर्म की पूजा करते हैं लेकिन दूसरे के धर्म का आदर करते हैं। हम अहिंसावादी हैं लेकिन हिंसा का जवाब देना भी हमें आता है। भगवान राम ने यह मर्यादा बनाई थी कि हम कभी किसी पर आक्रमण नहीं करेंगे। हाँ, अगर कोई आक्रमण करता है तो उसको बता देंगे हम अपनी शक्ति। ये सब चीजें इस फिल्म में हैं। आप लोग इस फिल्म को देखिए और इस तरह के संदेश अपने जीवन में उतारिए। करण जी के साथ काम करके कैसा लगा आपको, जरा कुछ शेयर कर बात उस टाइम की? करण जी तो कमाल के डायरेक्टर राइटर हैं, तो दुनिया जानती है इनको। और मुझे इन्होंने जो डायलॉग दिया है वो इतना स्ट्रांग डायलॉग है, और फिर इन्होंने मुझे ऐसी जगह पर एक्टिंग कराई जहाँ ऐसी ज़बरदस्त ठंड थी, लेकिन रीटेक रीटेक करके हम तो कांप रहे थे ठंड से, लेकिन उन्होंने करवा ही ली। अब आप लोग देखिएगा वो काम मैंने कैसे किया है। फिल्म में दीपिका जी जो सीता का रोल करी है रामायण में, उन्होंने भी बहुत अच्छा इसमें गुरु महाराज का रोल किया, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये लोग तो सीजनड आर्टिस्ट हैं, इनकी एक्टिंग के बारे में कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। सारा देश इनको नमन करता है, इन्होंने जो काम किया है उसकी सराहना करता है। दिलों में उतर गई हैं दीपिका जी, तो इनके लिए मैं क्या कह सकता हूँ। मैं भी उनका एक फैन हूँ, एडमायरर हूँ, और उनका काम मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये फिल्म 9 फरवरी को मास टीवी पर रिलीज हो रही है, अपने दर्शकों को संदेश देना चाहेंगे? जी, ये मास्क टीवी चैनल पर रिलीज हो रही है, इसको आप ज़रूर देखें और इससे आप आनंद लें इसका, और उसके बाद आप गर्व से कहेंगे कि मैं हिंदू हूँ। अनुप जी, आप अभी अयोध्या जाके आए प्रतिष्ठा में, तो वहाँ का अनुभव थोड़ा शेयर करेंगे, और सही मौका है हिंदू पिक्चर रिलीज करने का? देखिए, अगर स्वर्ग की कल्पना की जाए तो वहाँ बैठकर मुझे यही लग रहा था कि यही स्वर्ग है, यही स्वर्ग है। सारे संत महात्मा बैठे हुए, सबका आशीर्वाद मिल रहा था। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हमारे मोदी जी ने इतने अच्छी तरह से, इतने अच्छे ढंग से की। उन्होंने तो 11 दिन का व्रत किया, 11 दिन का उपवास किया, ज़मीन पे सोए, जल भी नहीं लिया। ऐसा व्यक्ति जब प्राण प्रतिष्ठा करता है तो भगवान राम कितना खुश होंगे, आप ज़रा सोचिए। तो मैं अपने को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि ऐसे दृश्य में मैं भी एक दृष्टा था, देख रहा था, ये सब आनंद ले रहा था। बस मोदी जी एक हमको यूं समझिए कि वरदान प्राप्त हुए हैं, अवतार हैं, आके हमारे देश की जो जो भी कमियां हैं, जिन चीज़ों को जल्दी पूरा करना चाहिए वो सब पूरा कर रहे हैं, ये मुझे विश्वास है। इस फिल्म में आपने अभिनय के साथ साथ गाया भी, गाना एक लाइन हो जाए नहीं, यूँ कहिए कि मैं गाने के साथ साथ अभिनय किया। काम तो मेरा गाना ही है लेकिन उन्होंने थोड़ा सा करा लिया है। तो मैंने इसमें आरती गाई है, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। जय श्री राम। जय श्री राम। शुक्रिया। ये जो फिल्म है हिंदुत्व,
जो मास टीवी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होने जा रही है। मैं तो इतना ही कहूँगी, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि एक ऐसी फिल्म हम युवा दर्शकों के लिए, क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म सबसे ज़्यादा जो हमारा यूथ है वो देखता है और उनको यूज़ करता है, उन ऐप्स को, उन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर आने वाले हर वेब सीरीज़ को देखता है, मूवी को देखता है, फिल्म को देखता है, शोज़ को देखता है। उसको ये मैसेज मिलना चाहिए कि हर राष्ट्र की मिट्टी का एक धर्म होता है और इस राष्ट्र की मिट्टी का जो धर्म है वो हिंदुत्व है, वो राममय है, और राष्ट्र की संस्कृति और हिंदुत्व दोनों का किस तरह से समन्वय है, सामंजस्य है, वो समझकर वो अपने इस धर्म को बतलाने में कभी भी संकोच नहीं करेंगे, और अगर वो उस धर्म से सही तरह से जुड़ेंगे तो उनसे कभी भी कोई गलत काम नहीं हो पाएगा। 9 फरवरी को मास टीवी पे रिलीज हो रहा है, उसके बाद विषय में कुछ बताना चाहेंगे आप? देखिए, ये मूवी एक डायरेक्टर्स कट है और ये अनसेंसर्ड वर्जन है हिंदुत्व का जो थिएटर में देखी गई थी उसका, तो वो मूवी को जितना प्यार दिया गया था उससे ज्यादा प्यार आप इस मूवी को दे पाएंगे। मास्क टीवी के चैनल प्रोड्यूसर हैं हमारे बीच में, ये तो आप उनसे जानिए। हम लोग तो मास्क टीवी ओरिजिनल्स के लिए जो प्रोड्यूस करते हैं, कोशिश करते हैं कुछ ऐसी फिल्म्स, कुछ ऐसे शोज, कुछ ऐसी वेब सीरीज लेकर आए जिसमें कुछ अलग हो। देखिए, एक ही तरह की जो स्टफ जो लोग सोचते हैं कि बहुत बोल्ड स्टफ होगा या इसमें एक खास तरह की भाषा बोली जाएगी, थोड़ा उससे अलग हटकर अगर हमें कहीं भी मौका, क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ कि ये माध्यम है और माध्यमों का अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो एक अच्छा सुंदर संदेश भी आप पहुँचा सकते हैं, और उनका जो मोटो है अनमास्क एंटरटेनमेंट, तो वो एंटरटेनमेंट की जो वो है ना क्षुधा, उसको भी तृप्त कर पाते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। आज फिल्म की स्क्रीनिंग हुई, कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों? देखिए, हिंदुत्व मतलब मैंने पहले तो एडिटिंग उसमें देखी थी इसको, लेकिन जब आज जब बड़े पर्दे पर देखा तो कुछ सीन ऐसे थे जो कि वास्तव में मुझे हिला रहे थे, कुछ आंखों में आंसू ला रहे थे, जहां कुछ लग रहा था कि मैं हिंदू हूं, हिंदुत्व मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये चीज़ मेरे दिमाग में आती है पूरी फिल्म को देखने के बाद, लेकिन जहां इसका अंत होता है तो ऐसा लगा कि कुछ भूख रह गई है, वो भूख मेरी मिटी नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि बहुत जल्दी हिंदुत्व का सेकंड पार्ट भी आए ताकि लोगों की जो भूख है वो पूरी हो। हिंदुत्व के स्टार कास्ट में बताएं कौन-कौन? देखिए, स्टार कास्ट तो देखिए, जब कोई फिल्म बनती है तो फिल्म में जो स्टार कास्ट ली जाती है वो उस स्टोरी की लाइन को लेकर ली जाती है। इस फिल्म में जो स्टार कास्ट ली गई है, जैसे अनूप जी को लिया गया है, आशीष शर्मा, अंकित राज, सोनालिका भदौरिया, अनूप जलोटा जी हैं, ऐसे ही भैया गोविंद नामदेव, ऐसे बहुत सारे बहुत नामी कलाकार हैं इस मूवी में, और उनके रोल्स इतने ग्रिपिंग हैं दैट यू फील लाइक वॉचिंग द मूवी अगेन एंड अगेन जस्ट ऑन देयर रोल्स एंड देयर रिप्राइजल ऑफ द रोल्स एंड द मूवी। मास टीवी की तरफ से संदेश यही है कि ऐसी ही मूवियाँ हम लाते रहेंगे जो मूवियों को चांस पहली बार नहीं मिला, एंड हमें बस अपना मास टीवी ऐसा बनाना जहाँ पे सब एक्सेप्टेड है। हमारा मास टीवी बोल्ड और इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता, वी बिलीव इन नई स्टोरीज, जो स्टोरीज अब तक हम छुपाते आ रहे हैं और जो स्टोरीज हम अब तक पीछे रखते आ रहे हैं वो हम आगे ला रहे हैं। ये फिल्म 9 फरवरी को आ रही है, क्या कुछ तैयारी है आप लोग तरफ से? हमारी तैयारी बहुत है, वी आर एक्साइटेड टू गेट एवरीवन ऑन बोर्ड, एवरीवन नीड्स टू कीप अपडेटेड ऑन ऑल सोशल मीडिया ऑफ मास टीवी, एंड देन जब वो आएगी तो सबको पता ही होगा, वो हिला ही देगी मूवी। संजय भट्ट जी, आप चैनल प्रमोटर हैं, हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे पब्लिसिटी को लेकर, कहाँ कहाँ क्या कुछ चल रहा है? सारे होर्डिंग मुंबई में देखे जा रहे हैं, अयोध्या में देखे गए हैं। देखिए, हिंदुत्व एक नया कॉन्सेप्ट है, लोगों ने बहुत कहा कि आप अलग अलग तरह की फिल्में लेकर आते हैं तो हिंदुत्व लेकर आ रहे हैं तो उसकी पब्लिसिटी नहीं करें आप। कुछ लोगों ने मतलब अब क्या बताएं आप, कुछ विवाद भी क्रिएट किया है, कुछ करना भी चाहते हैं, कुछ मौका ढूंढ रहे हैं, ठीक है, उन सभी को मेरा कहना है कि एक बार पहले फिल्म देखें आप। फिल्म देखने के बाद विवाद तो जीवन भर चलते रहेंगे, ऐसा तो नहीं ओटीटी चैनल पर आज पिक्चर रही कल हट जाएगी। पहले उसको फिल्म को देखें, फिर उसके बाद आप निर्णय लें कि ये विवाद वाला एक फिल्म है कि नहीं है। आप बताइए, मतलब
लगता है आपको मतलब विवाद होने लायक है पिक्चर या मतलब ऐसा है कि ओटीटी पे सही मैसेज आएगा ऑडियंस को? आई थिंक जो ये मूवी मैसेज लेके आ रही है, इट्स अ वेरी पॉजिटिव मैसेज टूवर्ड्स अपना हिंदुइज्म एंड एनी थिंग, इफ इट मे बी मुस्लिम पीपल और एनी थिंग. हमारा कोई वो नहीं है मोटिव टू पुट डाउन एनी अदर रिलीजन. आर मोटिव इज टू ओनली ब्रिंग अ मूवी जो आज हिंदुइज्म पे है, कल हम बिलाल लेके आएंगे. बिलाल इज ऑन इस्लाम एंड इट्स ऑन मुस्लिम पीपल, इट्स ऑन द स्टोरी ऑफ हाउ द बर्थ राइट हैपेंड. बट हाँ, दैट वे वी डोंट, हमारा कोई एक उससे नहीं जुड़ा हुआ है. वी ट्राई टू ब्रिंग एवरी वन ऑन बोर्ड. मास टीवी पे नेक्स्ट वी हैव अ लॉट ऑफ मूवीज. वी हैव कोड ब्लू कमिंग इन, वी हैव बिलाल कमिंग इन, जो एक एनिमेटेड मूवी है विच इज फॉर ऑल एजेस एंड एवरीथिंग. कोड ब्लू का ट्रेलर तो हमने दिखाया ही था, इट्स ऑन ट्रिपल तलाक एंड एवरीथिंग. उसमें बहुत अच्छे गाने हैं, उसमें बहुत सारे जुबिन नौटियाल के गाने हैं उसमें एंड एवरीथिंग. दैट वे दीज आर टू वी आर प्लानिंग ऑन गेटिंग. उससे पहले हम नुक्कड़ लेके आए हैं, इट्स अ वेरी नाइस सीरीज जो एक 9 लोगों पे है स्टोरी, तो पीपल शुड वॉच इट. दैट इट्स अ वेरी नाइस सीरीज दैट वी रेकमेंड. या बट वो आते ही रहेंगे तो फिर कोई सस्पेंस ही नहीं रहेगा अगर मैं सारे ही बता दूं. मास्टरपीस एक साल कंप्लीट हो चुका है, कैसा रिस्पॉन्स मिला दर्शकों का? बहुत ही अच्छा. मास टीवी बन चुका है इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेटफॉर्म. वी हैव कंप्लीटेड सो मेनी पीपल, वी हैव गॉट मेड आवर फैमिली सो क्विकली इन दिस वन ईयर. इट हैज बीन अ वेरी गुड जर्नी एंड वी लव एवरीवन हु वॉचेस अस एंड वी वांट कि पूरा इंडिया अब हमारे साथ देखे, पूरा देश देखे, पूरी दुनिया देखे अब हमारे साथ. संजय सर, और कुछ नई प्लानिंग सिनेमा को लेकर के? देखिए, हम अभी सबसे पहले मास टीवी लेकर आए थे, उसके बाद सेकंड चैनल हम लेकर आए मास सिनेमा लेकर आए, उसके बाद मास साउथ लेकर आए, क्योंकि साउथ में बहुत बड़ी डिमांड थी. उन लोगों ने कहा कि साहब हिंदी दिखा रहे हैं, कुछ हमको दिखाइए. हम साउथ लेकर आए, उसके बाद थोड़े टाइम बाद हम लोग एक नया चैनल और लेकर आ रहे हैं जो आध्यात्म से रिलेटेड है, आनंद प्रज्ञा कर. वो भी एक अलग टाइप का चैनल होगा अध्यात्म का रिलेटेड, लेकिन उसमें प्रवचन वगैरह नहीं होकर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि यंग जनरेशन को अपनी ओर खींचेंगे और आध्यात्म के बारे में बताएंगे. तो ये तो जर्नी है, के बाद एक लोग हम बढ़ते चले जाएंगे. और अभी फ़िलहाल हम लोग इंडिया में बहुत अच्छे ढंग से देखे जा रहे हैं, और इसके बाद जाकर हम लोग अभी चाइना में, हांगकॉन्ग में और आपके दुबई में इसका एक्सपेंशन कर रहे हैं. अभी टोटल मुझे 125 कंट्री में मास्टरी भी देखा जा रहा है, और ग्रोविंग का जो आप देखें, इसका आप ग्राफ देखें, तो नियर अबाउट 50% मंथली ग्रोइंग है इसके इंडिया के अंदर. कोई सी भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर इसको नहीं देखा जा रहा हो. पहले सर्वप्रथम यह सारी बड़ी सिटीज़ में देखा जा रहा था, अब धीरे धीरे ये थोड़े छोटे छोटे गाँवों में भी पहुँचता चला जा रहा है और लोगों को इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है. क्योंकि एक ऐसा चैनल है जो कि आप घर में बैठकर टीवी में देख सकते हैं, ये ऐसा चैनल नहीं है कि आप मोबाइल पर ही देखें. कंप्यूटर तो हम किसी को नहीं मानते कि हर आदमी की जर्नी अपनी अलग होती है, हर आदमी की सोच अपनी अलग होती है, हर चैनल का अपना वे है, वे ऑफ वर्किंग है. हमारा वे ऑफ वर्किंग है कि नो नॉनसेंस, नो एडल्ट, नो वायलेंस, ये हम कल्चर लेकर चल रहे हैं. और अंतिम कल्चर ये है कि हमको इंडिया की सभ्यता और संस्कृति को बचा कर रखना है. थोड़ा खोल ले उसको. अच्छा, हिंदू सब हिंदू तो दिखना चाहिए. थैंक यू.